सबसे पहले किस कुमार बोले और बच्चे को दोनों हूँ मारना नहीं चाहिए। कैसा मारो बोले, एक्सीडेंट करके मारो बोले, बीमारी डाल के मारो बोले, कैसा मारो बोले, एक्सीडेंट करके मारो बोले, बीमारी डाल के कैसा मारो बोले, क्या करने वाला था, एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के सुसाइड कराने वाला था, जड़ों आग लगा उसके अंदर। क्या लिख गए थे लड़की का जादू करते टाइम पे, क्या नाम है उनका, रेशमा कौशर का क्या लिख गए थे जादू चलाते वक्त, क्या लिए थे, क्या पूछा मैं जवाब, क्या लिए थे, कपड़ा, कौन सा कपड़ा, कहे का, मावली का, कौन लिख गई थी औरत आदमी, नाम मत बोल, कौन लिख गई थी सिर्फ कुत्ता बोल, औरत आदमी, औरत, इसके माँ के तरफ की रिश्तेदार है, बाप के तरफ की है, ससुराल की तरफ की है, घर में की है। हाँ। क्या तकलीफ दे रही थी उन्हें बच्ची को जादू करके, क्या कर रही थी ऐसा, हाँ। क्या, हाँ। क्या? क्या तकलीफ देके मारो बोल रही थी, क्या दुश्मनी थी, जलन, बच्ची को कहीं में मिला के खिलाई थी ये उन्हें, हलवा, कहे का हलवा था वो, कहे का, लौकी का कितना टाइम हो रहा खिला के बच्ची को, ये वैसे तो 11 साल से है लेकिन अभी हो गए 10 महीने, वो 10 महीने से उन्हें तेरी बोल के तू ज्यादा उछल गया, खून है ये, खून पिलाया है, देखो खून पिला के भेजे, तुझे कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, सुअर का खून है और उसके बाल भी है, कितने पैसे दिए थे जादूगर को, कितने पैसे दिए थे, 35 दिए लेकिन 22 ही दिए, अभी 35 में बोली हुई पर अभी उसको 22 दिए, कब तक मारो बोले बच्ची को, अम्मा ने पूनम ने कौन सा टाइम देख के, कब तक, अभी तो आज नहीं चले दो लेकिन अब बस मार बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहा था तू, मियां भी लड़ाई लगा रहा था, कौन है तू, मरियारी औरत ही आदमी है, मरियारी औरत ही आदमी, मरियाला कौन है, मैं तो घर की जिंदी हूँ, अच्छा बहुत ज्यादा माटो नहीं कर रही, कमबख्त नहीं, मारो इसको और आग लगाओ इसके आंग में, दूसरों का घर जला लो, ज्यादा माटो नहीं कर करके, लाओ उसको पैसे, चलाओ उसके पैरों में आग लगा दो तेजी से, काट दूं तेरे दोनों पैर, नाम पूछाने का कौन है, फोन कर रहा हूँ, कहाँ से आए थे आप लोग, देखो नाम पूछेंगे उस पे जाएगा, तुम ऑब्जेक्शन पहले तुमने साइन करके दिया है, ठीक है, पूछो फिर, इधर आपके कौन है, मेरे घर वाले हैं, मेरा भाई है, तुम्हारे घर वाले, बच्चे कितने तुम, आपको तुम्हारे कौन है, इधर भी आ गया क्या, हमारा कुछ कौन होते आपके, कौन इधर देख के बोलो, कैमरे कौन है जी तुम्हारे, पेशेंट ये बीबी है, अच्छा तो फिर पूछो नाम, हाँ पूछो, इनो बोल रहे पूछाओ जो भी है क्या है, शायद कुछ हाजिर हुई वांग में, इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ, वो दो दफे हाजिर हुआ, हमने कर नाम बोला किसी का, कुछ सवाल जवाब हुए, कुछ नाम नहीं बताया, सवाल जवाब नहीं करा, तो बोले क्या भाई मित्र के हाथ से कराएंगे, थोड़ा जम के बोलो, नाम नहीं बोला, नाम ठीक है, लाओ बुलाओ बाहर से फौज को, जंजीरा मारी और उसको जंजीरा में डाल के टुकड़े करेंगे जकड़ के उसके, जी
छोड़ ही नहीं उसको, झगड़ो उस कुत्ते के साथ में। क्या करना रहते को मार के गाड़ना खत्म करना, बोल जल्दी बोल ना ला तू छोड़ना का काट के खत्म करूं। कम वक्त नहीं, बहुत ज्यादा कर रही थी। डॉक्टर साहब कब ले गई थी उसका कपड़ा कितना टाइम वाली जाके कब लेकर गई थी? पूछो नाम पूछो। दारू को जाता वो डायरेक्ट यूनिट पे उसको बैठो, है ना तुम्हारा परमिशन? चलो झपड़ो उसको तेज के साथ में। छोड़ना कि नहीं छोड़ना तुझे बोला? छोड़ना नहीं छोड़ना करेंगी दोबारा जा तू ने। कौन होती तू बच्ची के रिश्ते में? कौन होती? नाम बोल तेरा, नाम बोल, जब तक मैं बोलूँगी तेरे हाथ पर काट के जला दूँगा। नाम बोल, छोड़ो उसको। मेरे घर क्यों ना बोल? ना बात तो तुम तेरा लाओ, उसके हाथ पर काट के जला दूँगा। छोटे छोटे बच्चे, ना जी छोटे छोटे बच्चे, छोड़ दो। हाथ काट के लेता मैं तेरे दोनों, दोनों दे दे मारता मुझे। नहीं बच्चे, मैं घर की चोरी नहीं करूँगी। नाम बता नाम, नाम बोल छोड़ देते हैं माँ, बोल। कौन होती तू? कौन है तू? मैं मेरे घर में सब में बड़ी हूँ ना। उसके माँ की रिश्तेदार है? बच्चे की माँ की रिश्तेदार है? नहीं। बाप की रिश्तेदार है? नहीं। कहाँ की है? कहाँ की? सिरतगा बट की। कहाँ की? सिरतगा बट की हूँ ना। नाम बोल, नहीं चला दूँगा पूरा, जल्दी बोल। जिसको करी उसके नाम की हूँ ना। नहीं 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 छोड़ लाओ उसके नाम जल्दी बता। कौन है तू? कौन है? कौन है? रिजवाना। कौन है? रिजवाना। कौन है? रिजवाना। इसकी तेरी क्या दुश्मनी थी? कुछ नहीं थी, जलन था बस, कुछ भी नहीं था। क्या जलन था? क्या जलन था? क्या नाम है पेशेंट का? रेशमा का। सर की उसकी क्या दुश्मनी थी तेरी? क्या दुश्मनी थी तुम दोनों की? कोई दुश्मनी नहीं है ना, कोई दुश्मनी नहीं है। उसके आदमी से, उसके आदमी से। क्या बोल के? क्या दुश्मनी उसके आदमी की तेरी? वो मेरे को मालूम नहीं। हाँ बोल, पूरा जला दूंगा ना तो। बोल। तेरे साथ और कौन कौन मिले आला है? चार जनों को मालूम है घर में। कौन है वो चार? चार के नाम? मेरे माँ बहना है। नाम बोल उन सब के। कौन है? नहीं। हाँ नाम बोल। उनको परेशान मत करो। हाँ नाम बोल उन सबको, मार दूँगा मैं। नाम बोल जल्दी। बोल। जावेद। और कौन है? बोल बोल, छोड़ देने देखो, जला देना उसको तेज जलाओ। हाँ बोल, और कौन है? लगाओ तेजी से। और हाँ चारों के बुझाने का नाम है सबके, बुझाने का जब है तो फिर। और कौन कौन आ रहे हैं वो जल्दी बोलो, तो दोनों हाथ काट देता हूँ आप तेरे। हाँ चल बोल, और कौन है? हाँ कौन है? चपड़ो उसको और तेजी से कैमरा में दिखला रहे।
चल बता जल्दी कौन है और? कोई नहीं है साथ में, बस हम दोनों को मालूम है, लेकिन घर में मालूम है कि उसको तकलीफ देना चाहते हैं। कितने लोग मिले आले? मिलेगा कोई नहीं है, बस हम दोनों छह। कौन कौन है तुम दोनों? मेरे अब्बा और माँ। हाँ और? बस बाकी कोई नहीं है। और वो दो कौन है और चार? सिर्फ मेरे अम्मी को मालूम है कि जैसे हम उसके पास कर रहा है। जादूगर को कितने पैसे दिए थे? 35,000 बोले, पर 22 ही दिए। कौन से गांव का है? हाँ? वो मेरे को तकलीफ देता। क्या बोलता तुझे? जाओ वो बच्ची को परेशान कर उसके आंख में बोल के। हाँ? बोलना तो अभी पूरा जला दूंगा तेज से। झगड़ो उसको और तेज झगड़ो। अच्छा इसका कपड़ा कौन चुरा के ले गए थे? तो खुद ले गई, तेरा अब्बा ने ले गई, तेरा अम्मा ने ले गई, बहन ने ले गई? मैंने ले गई। हाँ मैंने ले गई। कब ले गई थी? कौन से साल में? कितना टाइम हो रहा? 2009 में। अच्छा कहाँ से ली थी? कौन से घर से? मेरे घर से। ये तेरे घर पे ही थी बच्ची ये? क्या तुम सब साथ में रहते? साथ में रहते। अच्छा क्यों, दुश्मनी क्या थी? सही बोल, चल दे। कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। अच्छा इसके कौन से बच्चे को मारने वाले इसके साथ में? अभी जो दुनिया में आने वाला है उसको इंतजार है। अच्छा और कितने बच्चे हैं? वो दो लड़कियों को क्या कर रहे हैं? उसके लड़कियों को भी कुछ कर रहे हैं क्या? हसमा कौसर के, क्या नाम उनका? रेशमा कौसर। रेशमा कौसर के लड़कियों को क्या कर रहे हैं? उनपे भी कुछ करेंगे? जादू उठाओ ना। बच्चे को मारने वाले है? अभी बारी बेटा होने वाला है क्या? मुझको पता नहीं अभी। फिर क्यों मार रहे फिर पेट में एक बच्चे को? बोल, मारू तेरे बच्चों को? मारने लगाना तेरे को कमीनी। जलाओ उसके हाथों में और तेज से आग लगाओ। जकड़ो उसके हाथों को तेज एक साथ में। इसको कितना टाइम बचा था मारने को? 6 महीने, 1 साल, 8 महीने, 2 महीने, 10 दिन, कितना टाइम बचा था? हाँ कितना टाइम? मुंह तो अखाड़ी में फेंकी थी मैंने। क्या करी थी? मुंह तो अखाड़ी में फेंकी थी। हाँ तो फिर उस पर चली नहीं। अब मौका देख के मारने वाले क्या? अभी तुम बीमारी डाल के मारने वाले? उसको सुसाइड करा के मारने वाले? कैसा मारने वाले? और इसको किस चीज में खिलाई थी तूने दवा? दवा कहीं में खिलाए थे उसको? लौकी और चिचोरे। हाँ लौकी और चिचोरे। चिचोरे क्या रहते अभी? इमली में चिचोरे नहीं आते? चिंचू। कब खिलाई थी? कितना टाइम और खिला के? 4 साल। अच्छा तो इसका मतलब 10 साल से ज्यादा उठाने कर दी क्या बहुत पहले से? हाँ और कुछ पूछाने का? चलो ठीक है, इसको जकड़ लो, इसको अंदर से सारी तंत्र मंत्र क्रिया को नष्ट कराओ, भस्म करो, उसके तबीयत में सुधार लो, सारी दवा को उसके जमा करो, उल्टे में और जुलाब में बाहर निकाल के फेंको, उतारे के अंदर सब चला के राख कराओ वो तेज के साथ में। उसके मरद पे क्या कर रही थी तू कारोबार के वास्ते? कारोबार नहीं चलना बोल के जादू टोने कर रही थी क्या उसके? हाँ क्या कर रही थी फिर? कुछ भी नहीं। दोनों मियां भी लड़ाई भी लगा रही थी क्या? जला जा सारी शक्तियां खत्म करो, कुछ जंजीर डाल के आज रात 12 बजे बाद से बंद के डाल दो उसको। क्या नाम उनका? चल भाग, तेरी सारी शक्तियां खत्म करेंगे उतारे के अंदर। कम बखत बाप करा चला तक तेरे।
ओए रेशमा कौशर, क्या नाम है? रेशमा। ओए रेशमा भी अनपियो ज्यादा हम तो मौका थोड़ा तो उठाओ। रुको रुको लेते पीते छोड़ दो तुम, छोड़ दो तुम। ओए रेशमा भी शिफा के तलब गा रहे तुम और ने दरबार में आके शिफा के तलब गा रहे आज लेके आए। ओए रेशमा भी हेलो पानी भी कौन है? किसके नाम आने के लिए? नाम तो भजन नहीं है हमने। आओ जी भाई की दरबार। कैमरा वाले इधर से आ रहे। ये से गलत बातें एक दूसरे पे जादू टोना करना सख्त 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 मना करने वाला है कि जादूगर के पास मत जाओ, जादूगर के पास जो जाएगा वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में है, और जो अगर जाएगा तो उसकी शफात हशर के दिन मैं नहीं करूंगा और वो जादूगर की भी नहीं करूंगा, क्योंकि जादूगर के पास जाने वाला भी और वो भी दोनों भी हम में से नहीं है। तुम्हारी क्या मत मारे गई क्या नालायक हो? दरगाह पे जाना शिर्क, अल्लाह वालों के पास जाना शिर्क, जादूगर के पास जाना शिर्क नहीं है क्या? शिर्क का मतलब मालूम है कि शिर्क के मीनिंग मालूम है? खाली शिर्क के झंडे लेके नाच रहे बदतमीजों जाके एक दूसरे पे से जादू आटोने कर रहे क्या? बेगैर हो तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। कुरान और हदीस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। तुम इबादत ज्यादा करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, और ये ऐसे हरकतें करेंगे तो ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और तुम आपस में अगर हसद जलन करके ऐसे हरकतें करेंगे तो ये बहुत 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 बुरी बात है। ये दिल के अजाजील ने हुक्म खुदा ना माना तो फिर यूं हो गया जलील, लानत का तौख अपने गले में पिना दिया था उन्होंने खुद के गले में, जबकि इतना बड़ा मर्तबा दिया था अल्लाह ने उसको कि फरिश्तों का सरदार बनाया था, उसने इबादत इतनी करा था, इतनी इबादत करा था कि रूहे जमीन के ऊपर से कोई कोना और कोई जगह नहीं है जहां उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा था। उसको इबादतों की वजह से उतना बुलंद मर्तबा मिला था, मगर एक नफसी खा एक नफसी नफसी करा वहां पे खड़े रहे, मैं आदम से भारी मई कहीं को सजदा करूं, एक अल्लाह का हुकुम की नाफरमानी करा, करते मालूम का लखब मिल गया अल्लाह का तौफ उसके गले में डाल दिए। और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किसका कहाँ जा रहे? शैताना जादूगर ये सब क्या है? कोई औकात नहीं अल्लाह के कलाम के सामने। अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली जबान बनाओ, कंटिन्यू पढ़ते रहो तुम लोग। अगर पढ़ेंगे 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 तो तुम्हारे पे कोई जादू टोना नहीं चला सकेगा, और जादू टोना चलने के बाद जाके सोचेंगे हम नमाज पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे तो जादू टोना तुम्हारे उसके नजदीक नहीं जाने देता। ये रिकॉर्डिंगों में खुद बता दिए जिन्नातों ने, शैतानों ने मेरे सामने आके बयान करके मैंने पूछा दिया। मैं कहानियां और किस्से नहीं सुना रहा हूँ तुम्हारे, कहानी किताब में की पढ़ के या किस्सा कोई किताब में का पढ़ के, प्रैक्टिकल में जो दिखाया हमने अल्लाह ने मेरे हाथ से दुनिया को वो तुम्हारे लोगों को बता रहा हूँ मैं, जो तजुर्बा प्रैक्टिकल वाला दिया अल्लाह ने, तो सबसे ज्यादा तजुर्बा ये मामले के अंदर में। और कोई मिसात नहीं रहती जादूगर की, कोई मिसात नहीं रहती शैतान की अल्लाह के कलाम के सामने। मगर तुम पहले से रस्सी को थाम के रहेंगे तो तुम्हारे नजदीक ये चीजा नहीं आएंगी, ये वबा नहीं आएंगी। दुआ मोमिन के लिए हथियार है, इसका मतलब ये है ये चीजों से तुम महफूज रहेंगे। और तुम चल जाने के बाद सोचेंगे तुम वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे, वहां तक पहुंच नहीं देते। भलाएं खुद बोलते हैं हाजिर होके हम इस नमाज पढ़ने नहीं देते, इबादत नहीं करने देते, इबादत के नजदीक आता हम इसके अंदर घबराहट बेचेंगे छोड़ रहे थे, ये सब बातें समझ में आया ना। तो इस वास्ते बेहतर है कि पहले से रस्सी को मजबूती से थामो, हर नमाज के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाओ, चारों कुल पढ़ो आयतुल कुर्सी पढ़ो सात सात बार, अच्छा है, तुम तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दिन निकलते वक्त तुम सूरह यासीन पढ़ो कम से कम एक बार, शाम का सूरज डूबे तक तुम्हारी अल्लाह हिफाजत करेगा, और सूरज जब डूब जाएगा तो जब और एक बार पढ़ो मगरिब के बाद, सुबह दिन निकले तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। खुद अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया, और जब अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी लेता तो फिर सातों जमीन है सातों आसमान में कोई किसी की पूरी दुनिया भी एक होकर तुम्हारे जहमत नहीं दे सकती फिर। और अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिया फिर तो तुम्हारा मामूली मच्छर भी मार के चल जाता फिर, मच्छर मूंगी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी दिमाग में उसके कहीं से भी कहता। इसलिए ये बातों पे अमल करो, गलत है, बहुत बहुत गलत बात है। दुआ और बद्दुआ में ऐसा तासीर रखे वाला अल्लाह ने, तुम कोई सता रहा तुम हक पे है ना तो परेशान करो तो बद्दुआ करो। बद्दुआ एक ऐसी चीज है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आप फरमाते कि दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक देते हैं, दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक देते अगर उसके साथ में दरूद शरीफ नहीं है, अगर तुमने दरूद शरीफ उसके साथ पढ़े तो ही वो अर्शी इलाही पे जाती नहीं तो रुक जाती। और
बद्दू एक ऐसी चीज है ना जिसको कहीं नहीं रोकते, सीधा अर्श पे चल जाती हूँ सीधा। इसलिए हक पे है तो दुआ करो, दुआ करो। वैसे भी तो अल्लाह वाले और बुजुर्गाने दीन की खास बात ये रहती है, अल्लाह वाले बनो। अल्लाह वालों की दास्तान ऐसी रहती कि वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, उनको जुल्म देने वाले को बोलते जा अल्लाह तुझे खुश रखे, क्योंकि अल्लाह उनका निगेबान है और अल्लाह के उनको बेवारिस समझते लोग। बुजुर्गाने दीन को वली अल्लाह को बेवारिस नहीं है, उनका वारिस अल्लाह है, उनका निगेबान अल्लाह है, उनकी हिफाजत करने वाला उनका पालक, उनका जो भी है देखने वाला गाइड करने वाला सब अल्लाह है। तुमको वाकया बताता हूँ मैं, एक नजूमी शख्स जा रहा था, चिक्कड़ में से जा रहे थे सब पैरा मारते हुए, छप छप बारिश होकर रुक गई थी, बाजार भरा हुआ था, तो एक तवायफ का टांगा आकर रुका, उसमें से एक तवायफ उतरी, तो उतर कर वो तवायफ क्या करी था जाने लगी उधर, तो तवायफ के साथ में उसका आशिक भी था, तो उसका आशिक क्या करा तवायफ को लेके चल रहा था, तो वो बुजुर्ग आने दिन वहां से जा रहे थे कोई तो भी बुजुर्ग शख्स, तो उन्होंने सब पैर मारे चिक्कड़ पे, तो चिक्कड़ के कुछ छींटे उड़े और तवायफ के दामन पे चले गए। जाते जो तवायफ के आशिक ने देखा और देख के क्या बोला, ऐसा कैसा छींटे उड़ा दिया, बोले तुम्हारा दिमाग में गया, जाकर उनको चमाट लगा दिया, जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारते जो उन्होंने ऐसा देखा पूरा बाजार रुक गया, पूरा बाजार के लोग सब देख रहे, तो क्या कहे हजरत ने ऐसा यूं करके देखे, उन्होंने देखने के बाद बोले जा अल्लाह तुझे माफ करे, ये ऐसे बनो ये ऐसा रहते अल्लाह वाले, जा अल्लाह तुझे माफ करे। फिर भी उन्होंने दिए बद्दुआ गाली दिए, झगड़े करे, कुछ करे, वहां कुछ बोले। बुजुर्गाने दीन अल्लाह वाले लोग, अल्लाह वाले जो कल्ब होते, जो दिल होते अल्लाह ने जो तराश के बना वाले, तो वो ऐसे रहते हो। चले गए उन्होंने, जा तुझे अल्लाह माफ करे बोल के आगे गए। आगे जाने के बाद में गाड़ी वाले ने, बंडी वाले ने ऐसा देखा उनको, एक गाड़े वाले ने कुछ जमाने का दूध का कुछ प्रोडक्ट बेच रहा था वो, तो उन्होंने उनको दूध दिया पीने के वास्ते, बर्ड ऑफ उन्होंने दूध का गिलास हाथ में लिया और लेके आसमान की तरफ देख के बोले के अल्लाह क्या तेरी शान, जो मुझे नहीं जानता उससे तू मुझे थप्पड़ भी खिला देता और जो मुझे जानता नहीं उससे तू मुझे दूध भी पिला देता, क्या तेरी शान। बोलते लोग भागते हुए उनके तरफ और आकर बोले कि ए शख्स तुमने क्या करा वो शख्स के ऊपर जिसने तुमको थप्पड़ मारा, तो कुछ जादू चला दिया क्या तुमने उसके ऊपर? दोनों बोले नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? तो बोले वो शख्स वो जा रहा था, चार कदम आगे का फिसल कर गिरा, उसकी पीठ के दो मनके टूट गए। क्या करे तुमने ऐसा, जिसने तुमको थप्पड़ मारा तो उसकी पीठ के दो मनके टूट गए चार कदम जाते। तो उन्होंने क्या फरमाए, उन्होंने फरमाते कि मैंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने उसके आशिक जो थी उसकी, तो उन्होंने उसके आशिक की माशुका की उसकी वो लाज उस पर चिकड़ गया, तो उसका बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने उसके माशुक के वास्ते, तो मेरा माशुक और मेरा आशिक कैसा छोड़ेगा। फिर मेरे आशिक ने भी उसको थप्पड़ मारा, उन्हें मुझे बेवारिस समझ के थप्पड़ मारा, मेरे आशिक ने फिर उसको बताया थप्पड़ मार के क्या है। तो ऐसा रहता हूँ, ये खुदा के इश्क में फना हो गया लोग रहते हैं, बात करके वली अल्लाह दीन बुजुर्गाने दीन, इन सबको बुलाने बुरा नहीं बोलना, इनके पास जाने से तुम्हारा दीन ईमान मजबूत होता। बोले अल्लाह ना कि अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत करने के बराबर है। 60 साल उलमाए दीन के पास तुम जाके चकरा मारो 60 साल तुम जितनी इबादत करते हो उतनी एक लम्हा अल्लाह वालों के पास, तो ये दास्तान है, डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन रहते हैं, उनके बहुत सारे राज हैं। तो बुजुर्गाने दीन के पास जाओ तुम्हारा दीन ईमान ताजा होता, और जादूगरों के पास जाने से तुम्हारा ईमान दीन तबाह बर्बाद खत्म हो जाता, तुम अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर दिए। बहुत बुरी बातें हैं, बहुत बुरी दास्तान है, तुम क्या बोला ऐसे हरकत नहीं करना। खबर में तो भरना है, खबर में अपने अब्बा का राज में चलने वाला ना रिश्वत चलने वाली है, खबर के अंदर तुम्हारे जबान पे भी ताला मार दिया जाएगा, बहुत बीच में पचक पचक करेंगे ना, जबान पे ताला मार के तुम्हारे हाथों से पैरों से हर चीज से गवाही ली जाएंगे, ये गवाही देंगे। इन्हें जादूगर की तरफ जा रहा था पैरा लेके, इबादत की अजा हो रही थी तो अजा नमाज पढ़ने नहीं जा रहा था अल्लाह के राह में, और उधर जाके ऐसे काम कर रहा था, फिर देखो उसका अजाब वहां का अजाब। रिवायतों में आता बताया जाता कि अगर तुमको खबर का अजाब तुम पे जाहिर करते थे, या अगर तुम खबर के अजाब के बारे में सही तरीके से बता दिया जाता था, तो तुम डर के मुर्दे चने डालते थे जमीन के अंदर, जो भी मरहूम रहते थे ना उनको जमीन के अंदर ही नहीं डालते थे, तुम बोलते थे नहीं इतना खतरनाक अजाब होता। इसलिए अजाब इलाही से पनाह मांगो, अजाब इलाही से। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी दास्तान है, क्या बुनाई दीन की हदीस की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो महफूज रहेंगे, वरना पढ़े लिखे बन के जाहिल मत बनो। बस इतना बोलूँ, ऐसे ज्यादा क्या बोलूँ मैं, अल्लाह का सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। चलो रोक।